मीरा, मुझे एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है। ओके, मैं अपने अंदर कुछ बदलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बदलाव में मेरी मदद करो। उससे क्या होगा? इससे हमारी रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगी। कैसे? वाइफ्स की हस्बैंड से सबसे कॉमन शिकायत क्या होती है? कि तुम बदल गए हो। जस्ट इमेजिन, अगर वाइफ ही अपने हस्बैंड को बदल दे तो उसे बदला हुआ हस्बैंड बदला बदला नहीं अच्छा अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, अभी तुम ये अपने एनलाइटनमेंट वाले जोन से बाहर निकलो। वी हैव अ क्लाइंट कमिंग होम। घर पे? या शी वाज अनकंफर्टेबल विद ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो मैंने घर पर ही बुला लिया। हु इज दिस मिस अनकंफर्टेबल? प्रीति। आगे क्या? अब आगे तो वही आकर बताएगी। पूरा नाम क्या है उसका? प्रीति सिक्का। प्रीति सिक्का? प्रीति सिक्का तू? ओह माय गॉड, अभिमन्यु चौहान। या ऑफ कोर्स, ये मेरी क्लासमेट थी प्रीति सिक्का। प्रीति सिक्का, बड़े मैनर्स आ गए तुझ पे। स्कूल में तो प्रिटी प्रिटी बोलता था। तुझे याद है हम सब तुझे? हाय, आई एम मीरा, अभिमन्यूज वाइफ। अच्छा, तो टाइगर का शिकार हो ही गया। काहे का टाइगर यार, अब तो एक था टाइगर। अरे कहां, टाइगर जिंदा है। ये देखो, डोले शोले, जॉलाइन, बिस्किट्स कितने। यू नो मीरा, सारे स्कूल में फेमस थी टाइगर की स्माइल। टाइगर? व्हाट इज दिस टाइगर? अभी इसे बताया नहीं तुमको? नहीं, पूरे स्कूल में इसे टाइगर बुलाते थे क्योंकि किसी के हाथ कांपते थे चौहान साहब। अरे बहुत सी लड़कियों का क्रश था ये, लेकिन सबके दिलों को क्रश कर दिया इसने, इंक्लूडिंग माइन। इसे फुर्सत कहाँ थी मेघा से, लेकिन वो मेघा तो उसको घास भी नहीं डालती थी। क्योंकि टाइगर कभी घास नहीं खाता ना। तू वैसे का वैसे, ये बिल्कुल नहीं बदला ना। लेकिन तू इतनी बदल गई है यार। स्कूल में तू तेल से नहा कर आया करती थी, गोलू मोलू सी दो दो चोटियां बनाती थी। तुम्हें पता है इसकी नाक बहती रहती थी हमेशा, रुमाल रखती थी यहाँ पर नाक साफ करने के लिए। और अब? और अब? और अब सच में प्रिटी हो गई ना? या ऑफ कोर्स। सो प्रिटी, आई मीन प्रीति, तुम्हें सचमुच कोई प्रॉब्लम है या यू जस्ट कम टू सरप्राइज अभी? अरे सरप्राइज तो मैं हो गई हूँ। And what a surprise, really. Sure, so let's discuss the issue. अरे करेंगे यार, अभी तो मिले इतने सालों बाद, इतनी सारी बातें करनी है। ये तो अपनी क्लास में जो रोहित था ना। Guys, time out. क्या हुआ? We've run out of time. हमारी एक और मीटिंग है। तू एक काम कर, तू कल आ जा, आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ, और कल आज की तरह हम भूल नहीं जाएंगे। We'll discuss your problem. Sure. मेरे को अपना नंबर दे। I have your number. I'll coordinate with you. Wait. अरे coordination के लिए नहीं यार, अब तो इसको तंग करूंगी ना मैं। अच्छा, दे नंबर देना। 98205. I'll message you. Sure. चलो, see you tomorrow. Nice meeting you, Meera. Same here. चल, bye. बाय। क्रेजी। अभी? हम्म, ये लो ग्रीन टी। थैंक यू। अरे लेकिन तुम ग्रीन टी कैसे पियोगे? क्यों? क्योंकि टाइगर घास नहीं खाता है ना। प्रीति बिना कुछ भी बोलती है। प्रीति नहीं, as you like to call her, pretty. एकदम पागल है वो। हाँ, पागल तुम्हारे प्यार में। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, हम दोनों ऑलमोस्ट 20 साल के बाद मिल रहे थे, इसलिए we got a little excited, that's it. और excitement में तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि वो तुम्हारे साथ flirt कर रही थी, डोले शोले and all, यहाँ वहाँ touch कर रही थी। अरे ऐसी है वो, एकदम झल्ली। तुम्हें पता है स्कूल में हम कितना लड़ा करते थे, लोग हमें कुछ कुछ होता है कि शाहरुख काजोल बुलाते थे। और रानी मुखर्जी का क्या? कौन रानी मुखर्जी? वही तुम्हारी मेघा। वैसे तुम तो क्लेम करते हो कि तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो फिर ये मेघा कैसे छूट गई? अरे क्या बताता मेघा के बारे में, एक तरफा प्यार था वो। एक तरफा प्यार? ओ माय गॉड, मतलब प्यार था। हाँ मेरा बचपन की बात। बचपन का प्यार? हाँ, लाइक दैट सॉन्ग, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना। और नहीं भूल पाते हैं लोग, मरते दम तक याद रहता है उन्हें अपने बचपन का प्यार। कुछ चलने की बदबू आ रही है। Are you jealous? Jealous. और मैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड में अभी भी दम है, लड़कियां फ्लर्ट करती हैं उसके साथ। They find him attractive. लड़के में स्पार्क है। अच्छा, ज्यादा स्पार्क होता है ना तो समझ लो कि कनेक्शन गड़बड़ है। मतलब? मतलब ये माय डियर हस्बैंड
कि अगर ज्यादा स्पार्क होता है ना तो शॉक लगने के भी चांसेस होते हैं. सो बी केयरफुल, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना हटी. टाइगर. मुझे लगा हम 3 बजे मिल रहे हैं. I'm so sorry. Am I late? तुम लेट नहीं हो, मैं जल्दी आ गई. मुझे लगा थोड़ी देर इससे गप्पे मार लूंगी और फिर काम की बात कर लेंगे. You know, to make the most of our time. वो से दिख ही रहा है. आई मीन तुम लोग इतने सालों बाद मिले हो. आई एम श्योर यू गाइस हैव अ लॉट टू शेयर. सो जब तुम लोगों की पर्सनल बातें खत्म हो जाए तो मुझे बताना. मीरा, तुम ना हम दोनों को अकेले मत छोड़ना. Why? क्योंकि दिन खत्म हो जाएगा पर हमारी बातें खत्म नहीं होंगी ना. हाँ, लेकिन हमारे पास पूरा दिन नहीं है ना, तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. या या, लेट्स स्टार्ट. तो प्रीति, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यार मेरी शादी नहीं हो रही है. मतलब लड़का नहीं मिल रहा तुझे? व्हाट डू यू मीन? लुक एट दिस. फिर लड़कों की कमी नहीं है, जस्ट दैट शादी के पहले ही मेरा ब्रेकअप हो जाता है. हाँ, तो वो तो अच्छी बात है ना. आई मीन शादी के बाद डिवोर्स हो जाए, उससे बेटर है कि शादी के पहले ब्रेकअप हो जाए. नहीं, अरे लेकिन कब तक? हाथों से पहले बालों में मेहंदी लगाने का टाइम आ गया है. अच्छा, टेल अस, आर यू सीइंग समवन? या, हिज नेम इज तुषार. तो तुषार के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो ही तो नहीं समझ में आ रहा ना मीरा, इसलिए मैं तुम लोगों के पास आई हूँ. अरे यार, हम प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, सोल्यूशन बताते हैं. प्रॉब्लम तो तू हमें बताएगी ना. प्रॉब्लम तो है, बट आई कांट सीम टू पुट माय फिंगर ऑन इट. समथिंग इज मिसिंग. It's not what I want. So, what do you want? I want what you have. Huh? I want abhi. Abhi jaisa koi. I mean, look at him. Good looking, sensitive, caring. Kya sense of humor hai iska? Great physique. Well settled bhi hai. अरे बस 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 बस. Thank you, thank you, thank you so much. लेकिन अभी जैसा लड़का तुझे मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अभी जैसे लड़के आजकल बनना बंद हो गए. And abhi is already taken. है ना abhi? Yes, of course. मेरे ख्याल से तुझे अब जाना चाहिए. I mean, हम पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे, फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और उसमें टाइम जाएगा. So, give us a little time. I will get back to you. Yeah. Yeah. Okay, guys. But you are coming out with me now. चल. Of course. छोड़कर आता ना. आजा. Bye, Meera. Bye. Bye. तुम तेरी बाइक अभी भी है क्या? हाँ, है ना. तो चल ना, गेड़ी मारते हैं. यार ये केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो प्रॉब्लम साफ नजर आ रही है. क्या? यही कि तुम्हारा सिक्का खोटा है. प्रीति सिक्का? क्या बोल रही हो तुम? No, I'm serious. हमने उससे इतने सवाल किए and she conveniently dodged everything. अरे वो इतनी कंफ्यूज्ड है कि उसे खुद ही नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. You're right. वो बेचारी ना शुरू से ही ऐसी है. स्कूल में भी उसे पता ही नहीं चलता था कौन उसका सच्चा दोस्त है, कौन उसे बेवकूफ बना रहा है. बड़ी ना भूली है यार, इनोसेंट, शरीफ. तुम्हारी आंखों पर ना प्रीति का पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हें कमी नहीं नजर आ रही. देखा, तुम भड़ास निकाल रही हो. अरे कमी नहीं बोल रही तुमसे. कमी नहीं, याद है ना तुम्हें, जब हमने कैब शुरू किया था तब हमने डिसाइड किया था कि जब भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की बात आएगी तो हम अपना पर्सनल ओपिनियन साइड पे रखकर वील टेक अ न्यूट्रल स्टैंस. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. नो यू आर नॉट. तुम्हें प्रीति दिख रही है और मुझे प्रीति सिक्का. तुम्हें अपनी बेस्टी दिख रही है और मुझे हमारी क्लाइंट. And that's why I'm able to see the things that you're not. तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? Next meeting में ना, तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना. Let me ra do all the talking. I'll prove it to you. Sorry, Preeti. Unfortunately, हमारे पास तुम्हारी problem का solution नहीं है. What? मतलब मेरी शादी कभी नहीं होगी? नहीं नहीं, कोशिश करती रहो. You know how they say, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. अरे यार, कितनी कोशिश करूँ? I've been in 3 serious relationships. ठीक है, एक काम करते हैं. पहली relationship से शुरू करते हैं. पहली सीरियस रिलेशनशिप तो ध्रुव के साथ थी. भड़का यार, सो प्लान्ड. आई कांट टेल यू क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब वही डिसाइड करता था. मतलब शाम को 5 बजे से लेकर 5 साल के बाद 5 बजे क्या करना है वो भी उसे पता होता था. मुझे किसी बात का टेंशन नहीं होता था. ही वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट, बट यू नो देयर वाज समथिंग मिसिंग. और मेरा कैसा है ना, जब तक 100% ना हो ना, आई कांट बी विद दैट पर्सन. ओके, तो व्हाट वाज मिसिंग? ये मुझे ऋतिक से मिलने के बाद पता चला कि ध्रुव में सेंस ऑफ ह्यूमर वाज मिसिंग. अरे उसके चक्कर में तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी चला गया था यार. 1.5 साल में 1.5 बार भी नहीं हंसी होंगी. बट ऋतिक ना, ही वाज सो फनी यार. पूरे दिन हंस हंस के लोट पोट हो जाती थी. एंड सो एक्साइटिंग, पता उसके साथ कितना एडवेंचरस होता था. मतलब कुछ भी, कभी भी, स्पॉन्टेनिटी थी उसमें. फ्रीलांस म्यूजिक डायरेक्टर था ना, तो चलो लाइव कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्ट, हाँ,
So many things we would do together. You know, Ritik was a perfect example of carpe diem. वो क्या होता है? Live in the moment. एक पल का जीना फिर तो है जाना. Okay. यथा नाम तथा गुण. तो प्रॉब्लम कहाँ आई? बैंगलोर में. मैं ऋतिक के साथ उसके कॉन्सर्ट में गई थी. There I met Tushar. Tushar से मिलने के बाद मुझे पता चला ऋतिक वो सच में एक नार्सिसिस्ट. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था. मेरी लाइफ, मेरा म्यूजिक, मेरे कॉन्सर्ट. अरे मेरा क्या, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी. आई वॉज लाइक अ ग्रुपी विद हिम. बट तुषार ना, ही वुड ऑलवेज पुट मी फर्स्ट. मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, सच अ सेंसिटिव गाय आई टेल यू. सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है लेकिन बट समथिंग इज मिसिंग एंड यू कैन नॉट बी विद समवन इफ दे आर नॉट 100%. एग्जैक्टली. वो क्या मिसिंग चीज है ना, एक बार पता चल जाए उसे फिक्स करके छट से शादी कर लूँ. देख प्रीति, प्रॉब्लम तो है. टेल मी समथिंग न्यू यार. अभी नया ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुन. प्रॉब्लम ना तो ध्रुव में है, ना ही ऋतिक में है, और ना ही तुषार में. प्रॉब्लम तुझ में है. व्हाट? हाँ, क्योंकि तू ढूंढ रही है 10 में से 10. नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ सिर्फ एक, लाखों में एक. लाखों में एक कोई नहीं होता है. हमें अपने रिश्ते को लाखों में एक बनाना पड़ता है. और 100% क्वालिटीज तो एक ही इंसान में ढूंढ रही है. इट्स इम्पॉसिबल. क्या इम्पॉसिबल, तू है ना. अरे मैट, जब मीरा से मेरी शादी हुई थी तो आई वॉज बेरली 50%. और अब इतने सालों की शादी के बाद, इतना लर्न करने के बाद, इम्प्रूव करने के बाद, आई मस्ट बी व्हाट, 80%? 75. सी, 25% अभी भी बाकी है. देख, 100% अचीव करने में पूरी उम्र निकल जाती है यार. और यही तो रिश्ते की खूबसूरती है. एंड मोर ओवर, लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही हैं, और उनके हिसाब से हमें खुद को भी चेंज करना पड़ता है. और तू तो लकी है यार, तुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट लड़के मिले हैं. क्योंकि परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है. सी प्रीति, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस. परफेक्शन सिर्फ एक परसेप्शन है और कुछ नहीं, और वो सबके लिए अलग होता है. इसलिए हमारा सजेशन ये है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करो. 50% से स्टार्ट करो एंड देन वर्क ऑन द रेस्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस. दैट वे तुषार इज ऑलमोस्ट परफेक्ट. दैट्स परफेक्ट. Hi guys! Hope you liked today's episode, and if you did, do not forget to like, share and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. I'm so excited I get to be part of this now. I thoroughly enjoyed my day and I hope you enjoyed this. आपको भी मजा आया हो और आपको भी बढ़िया लगा हो तो जरूर बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आगे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए. Yes, she's perfect. Fabulous, fabulous. Near perfect. There's nothing called as perfect. Perfection is a perception, but you guys... Wow, man, she's amazing, bro. She's amazing. She should be a part of our team. She is. You guys now. Are yeah, certainly a part of our team. A regular part of our team. Keep All watching. Right, guys. See you very Keep soon watching. In the next episode. Keep watching Shitty Ideas Trending on YouTube. Bye. 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 Good night. Oh, sorry, good morning. जब भी देख रहे हो. Good night. यार प्राची, उसने इतना अच्छा बोला, तूने कट पॉइंट ही नहीं दिया, लंबा कर दिया इतना उसको. अरे वो तो बाद में कट हो जाएगा ना. अरे नहीं कर सकते ना, एंड फुल स्टॉप तो मिलना चाहिए ना प्राची.